ब्रेकफास्ट विद सोक्रेट्स बाय रॉबर्ट रॉलेंड स्मिथ। पहला सबक, फिलॉसफी का मतलब होता है समझदारी से प्यार। तो इससे पहले कि हम फिलॉसफी पढ़ें, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र क्या है। फिलॉसफी शब्द का जन्म ग्रीक शब्द फिलॉसफिया से हुआ है, जिसका मतलब है समझदारी से प्यार करना। इसके नाम से ही साफ है कि हम अपनी रोज की जिंदगी में जो भी काम समझदारी से करते हैं वो फिलॉसफी है। अब चाहे ये समझदारी हम बाजार में मोल भाव करते समय दिखाएं या फिर कोई बड़ा काम करते वक्त। समझदारी और चालाकी में बहुत अंतर होता है। अगर आप किसी से बहस करके उसे बहस में हरा देते हैं तो आप चालाक हैं, लेकिन अगर आप उससे बहस करते ही नहीं हैं तो आप समझदार हैं। फिलॉसफी हमें समझदारी सिखाती है, चालाकी नहीं। फिलॉसफी का मतलब ये भी होता है कि आप अपनी जिंदगी से जुड़ी चीजों के बारे में छोटे बड़े सवाल करें। इन सवालों में से कुछ सवाल इस तरीके के हो सकते हैं, मुझे बाजार में कितने पैसे खर्च करने चाहिए, मुझे अपनी सेहत बनाए रखने के लिए कितना खाना चाहिए। फिलॉसफी सिर्फ छोटे छोटे सवालों के बारे में ही नहीं है, बल्कि इसका नाता बड़े बड़े सवालों से भी है। बड़े बड़े सवाल कुछ इस तरीके के हो सकते हैं, इस दुनिया को किसने और क्यों बनाया? अगर इस दुनिया को भगवान ने बनाया है तो फिर भगवान को किसने बनाया? तो इन सभी बातों से एक बात साफ है कि फिलॉसफी का मतलब है अपनी जिंदगी से जुड़े छोटे बड़े सवाल पूछना। इन सवालों से आप अपनी जिंदगी के फैसलों को अच्छे से ले सकते हैं और इसे ही समझदारी कहते हैं, और समझदारी ही फिलॉसफी है। दूसरा सबक, आपका कुछ भी सोचना आपके होने का सबूत है। क्या कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास की चीजें सिर्फ एक भ्रम है? क्या आप सच और सपने में अंतर जानना चाहते हैं? इस सबक में हम डेस्कार्त की बातों को समझने की कोशिश करेंगे। डेस्कार्त एक फ्रांसीसी फिलोसोफर थे जिन्होंने सवाल का जवाब दिया, क्या हमारा कोई अस्तित्व है या फिर हमें सिर्फ लगता है कि हम हैं? हम कैसे जान पाएंगे कि हम सपना देख रहे हैं या फिर जाग रहे हैं? डेस्कार्त ने इस बात को समझने के लिए अपने आसपास की सभी चीजों पर शक करना शुरू कर दिया। डेस्कार्त को सिर्फ एक ही चीज पर पूरा विश्वास था कि वो शक कर रहे थे। अपने शक करने पर शक ना करके उन्होंने हर चीज पर शक किया। डेस्कार्त ने बताया कि अगर वे शक कर रहे हैं तो वे सोच रहे हैं, और अगर वे सोच रहे हैं मतलब उनका अस्तित्व है। उनके हिसाब से आपका सोचना ही आपके होने का सबूत है। डेस्कार्त ने एक प्रसिद्ध पंक्ति दी, कोगितो एर्गो सम, इसका मतलब है मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ। इसका मतलब है कि अगर आप सोचते हैं कि आप मर चुके हैं या फिर सपना देख रहे हैं, या अगर आप सोचते हैं कि आपके आसपास की चीजें सिर्फ एक वहम है, तो भी आपका अस्तित्व है क्योंकि आप सोच रहे हैं। तीसरा सबक, अपने व्यवहार को अच्छे से समझने के लिए हमें ईगो और सुपर ईगो के बारे में जानना होगा। क्या आप कभी कभी कुछ ऐसे काम करते हैं जिन्हें करने का आपका मन नहीं करता? हम सभी ने ऐसे काम जरूर किए हैं, लेकिन मन ना करने पर भी हम ऐसे काम क्यों करते हैं? इसका जवाब है सुपर ईगो की ईगो पर जीत की वजह से। जी हाँ, 20वीं शताब्दी में सिगमंड फ्रॉइड नाम के एक न्यूरोलॉजिस्ट ने दिमाग को समझने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि हमारे अंदर ईगो और सुपर ईगो नाम की दो चीजें पाई जाती है। तो आइए इसे समझने की कोशिश करें। ईगो हमेशा हमें आराम की तरफ लेकर जाता है, इसे ज्यादा तनाव में रहना नहीं पसंद है, और ये बिल्कुल नहीं चाहता कि ये अपने बिस्तर को छोड़ करके उठे और काम पर जाए। दूसरी तरफ सुपर ईगो हमारे अंदर की वो भावना है जो हमें वो काम करने पर मजबूर करती है जो कि जरूरी या सही है। घर की सफाई करना भले ही आपको ना पसंद हो, लेकिन आप फिर भी घर साफ करेंगे क्योंकि वो काम जरूरी है। ईगो हमें हमारी जरूरतों के बारे में बताता है, जबकि सुपर ईगो दुनिया की जरूरतों के बारे में। जिसका सुपर ईगो उसके ईगो पर हावी होता है वो एक अच्छा इंसान कहा जाता है। जैसे कि अगर कोई आपको उस गलती के लिए डांट रहा है जो आपने नहीं की, तो अगर आपका सुपर ईगो हावी है तो आप उससे विनम्रता से बात करके उसे समझाने की कोशिश करेंगे। रोज सुबह उठ करके काम पर जाना किसी को भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वे काम पर जाते हैं क्योंकि उनका सुपर ईगो उनके ईगो से जीत जाता है। चौथा सबक, आप भीड़ के साथ रह करके अपनी किस्मत पर जीत हासिल नहीं कर सकते। नीत्शे अपने सुपरमैन के कॉन्सेप्ट की वजह से जाने जाते हैं। सुपरमैन वो होते हैं जो सपनों की दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकत को अपनाते हैं। आज ज्यादातर लोग एक ही तरह का काम कर रहे हैं, वो रोज अपने घर से काम पर भागते हैं और तनाव में जीते हैं। अगर आप भीड़ में रहेंगे तो आप भी समय के साथ ऐसे ही हो जाएंगे। हम सभी लोग अक्सर ही तनाव से परेशान होकर के अपने ख्यालों में उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। उदाहरण के लिए उस आदमी को ले लीजिए जिसे पैसों की जरूरत है। वो अपनी आंखों के सामने रखी हुई चीज के बारे में नहीं सोच करके ये सोच रहा है कि जिस दिन वो करोड़पति बनेगा उस दिन दुनिया घूमेगा। तो भीड़ में रहने वाले लोग अक्सर ही ऐसे ख्वाब देखते हैं। अगर आप सुपरमैन बनना चाहते हैं तो आपको अपने असली हालातों को अपनाना होगा, भले ही वो आपको अच्छे ना लगते हो।
ख्यालों में रहने वाले लोग कमजोर होते हैं, वे अपने असली हालातों को गले नहीं लगा पाते, इसीलिए वो एक ऐसी दुनिया में खोए रहते हैं जो कि है ही नहीं। सुपरमैन वर्तमान में रह करके हर एक पल का आनंद लेते हैं और इसी तरीके से वो अपनी किस्मत के मालिक बन जाते हैं। पांचवा सबक, पैसों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ दीजिए। आप अपनी नौकरी को किस नजर से देखते हैं? क्या आप सारा दिन काम करने के बाद भी गरीबी में जी रहे हैं? लोगों को लगता है कि वो नौकरी से आराम से कमा सकते हैं, इसीलिए वो हर रोज अपने आराम को छोड़कर काम करने जाते हैं। उन्हें खुद नहीं पता कि वो जीने के लिए काम कर रहे हैं या काम करने के लिए जी रहे हैं। तो फिर नौकरी का मतलब क्या होता है? नौकरी का सीधा सा मतलब होता है अपने काम के बदले में पैसे लेना। जी हाँ, 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने नौकरी को एक अलग नजर से देखने की कोशिश की। उनकी अगर माने तो एक मजदूर हमेशा गरीब इसलिए रहता है क्योंकि वो पैसों की गुलामी करता है, और एक गुलाम का गरीब होना आम बात है। दूसरी तरफ एक एम्प्लॉयर ऐसे गुलामों का मालिक होता है, और मालिक का अमीर होना भी एक आम बात है। तो गरीब मजदूर हमेशा अमीरों के बनाए हुए ढांचे में काम करके उनको अमीर बनाते रहते हैं, और क्योंकि अमीरों का काम तो पहले से ही कोई कर रहा है, इसीलिए वो कम काम करके भी अच्छे पैसे कमाते हैं। कार्ल मार्क्स ने दुनिया भर के मजदूरों को ये बातें समझाने की कोशिश की और उन्हें अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए उकसाया। आप अगर इन सभी बातों को अपने आप से जोड़े तो आप पाएंगे कि आपके पास खोने के लिए सिर्फ आपकी बेड़ियां हैं। छठा सबक, अमीर बनने के लिए आपको ज्यादा मेहनत और कम आराम करना होगा। कार्ल मार्क्स ऐसे अकेले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने लोगों को अमीरी या गरीबी के बारे में बताया। उनके बाद मैक्स वेबर नाम के एक समाजवादी ने लोगों को अमीर बनने का एक दूसरा रास्ता बताया। वेबर की माने तो ज्यादा मेहनत और कम खर्च करना अच्छी आदत है जो हमें भगवान के करीब लाती है। भगवान के करीब आ जाने की वजह से संपत्ति भी हमारे पास आ जाती है। दूसरी तरफ ज्यादा पैसे खर्च करना अच्छी आदत नहीं है क्योंकि वो हमें भगवान से दूर ले जाती है, जिससे कि संपत्ति भी हमसे दूर चली जाती है। वेबर के हिसाब से अगर आपको अमीर बनना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी होगी और कम से कम आराम करना होगा। अपनी जरूरतों को कुर्बान करके आप अमीर बन सकते हैं। एक सरल और सीधी जिंदगी ही हमें अमीर बनने के रास्ते पर लेकर आएगी। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो गरीब थे, लेकिन उन्होंने ऊपर तक का रास्ता तय किया। वे ऐसा सिर्फ इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने एक सरल जिंदगी को अपनाया। सातवां सबक, महिलाओं और पुरुषों के बीच के अंतर को खत्म करके हम समाज में शांति ला सकते हैं। हमारे समाज की यह भावना शुरुआत से रही है कि वो महिलाओं और पुरुषों को अलग नजर से देखता है। ऐसा माना जाता रहा है कि पुरुष ताकतवर होते हैं और उनमें भावनाएं बहुत कम या नहीं होती। दूसरी तरफ ये माना जाता रहा है कि महिलाएं कमजोर होती है और उनमें बहुत सारी भावनाएं होती है। समाज की यही आदत आज एक समस्या बन गई है। अक्सर ही आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि लड़कियों को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, या फिर आपने सुना होगा कि लड़के रोते नहीं है। फ्रांस की महिलाओं ने समस्या से निपटने के लिए लोगों को सलाह दी कि वे इस भेदभाव को खत्म करें। लड़के और लड़कियां एक जैसे ही होते हैं, उनके शरीर में अंतर हो सकता है लेकिन अंदर से उनमें कोई अंतर नहीं होता। अपने समाज को एक नया रूप देने के लिए आप भूल जाइए कि लड़के और लड़कियां या महिला और पुरुष नाम के कोई शब्द होते हैं। आप सिर्फ लोगों को इंसान के नाम से जानिए और ये सोचिए कि सब एक ही भगवान के बनाए हुए हैं। भेदभाव करना हमारी फितरत में है, भगवान की नहीं। आठवां सबक, अपने दुख से आजादी पाने के लिए आप ध्यान का सहारा लीजिए। ध्यान का मतलब होता है अपने मन को इधर उधर की बातों में ना उलझा करके उस चीज पर फोकस करना जो कि समय आपके सामने है। ध्यान का मतलब है हमेशा प्रेजेंट में रहना और बीती बातों को छोड़ करके आगे बढ़ जाना। बुद्ध धर्म के हिसाब से ध्यान की मदद से आप अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ाने के लिए उसे हमेशा होश में और काबू में रख सकते हैं। कुछ लोग खुशी पाने के लिए उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो कि उनके पास नहीं है, लेकिन बुद्ध धर्म में हम सिर्फ उस चीज पर ध्यान लगाते हैं जो कि हमारे पास है। हमारा सोचना ही हमारे दुखी होने का कारण है। हम अपने मन को उन चीजों या लोगों पर लगाते हैं जो कि हमें प्यारे हैं पर हमारे पास नहीं है। तो यही ख्वाहिशें हमारे लिए दुख लेकर आती हैं और हमें उन चीजों पर ध्यान नहीं लगाने देती जो कि इस समय हमें खुशी दे सकती है। तो आप अपने आप को इस पल में पूरी तरह से डुबो लीजिए। हर एक सांस के साथ अपनी धड़कन को महसूस कीजिए। अपने सामने रखी हुई चीज को देखिए और उसके रंग ढंग में खो जाइए। ऐसा करने पर आप अपने मन को भटकने से रोक करके सुकून पा सकते हैं। नवा सबक, हम सभी इस दुनिया की यादों का एक हिस्सा है। क्या आपने कभी सोचा है कि सपने क्यों और कहां से आते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि सो जाने के बाद आपके साथ क्या होता है? एक आम आदमी एक दिन में 6 घंटे सोता है, तो इस हिसाब से हम अपनी जिंदगी का 1/4 भाग सोने में ही बिता देते हैं। कार्ल जंग नाम के एक साइको एनालिस्ट ने सपनों पर स्टडी की। वे सिगमंड फ्रॉइड के राइवल थे,
तो आइए देखें कि उनका नींद और सपनों के बारे में क्या कहना है। कॉल जंग के हिसाब से जब हम सोते हैं तो हमारे साथ साथ सारी दुनिया सोती है। उनका मानना था कि हम नींद में होश में नहीं होते और हमारे साथ ही ये दुनिया भी बेहोश हो जाती है। जब हम सपना देखते हैं तो हम सभी इस बेहोश दुनिया का एक हिस्सा होते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। हमारे सपने देखने पर ये सारी दुनिया सपने देखती है और इस समय हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इस हिसाब से जब हम सोते हैं तो हम एक बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा होते हैं और दुनिया की यादों और सपनों से जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार सपने हमें इस दुनिया से जोड़ने का काम करती है। तो कुल मिलाकर के फिलॉसफी की मदद से हम अपनी जिंदगी के फैसलों को सोच समझ करके लेते हैं। इसमें हम अपने आप से छोटे बड़े सवाल पूछते हैं और उनका जवाब पाने की कोशिश करते हैं। दुनिया भर के फिलॉसफर्स ने हमें अपने आसपास की चीजों को समझने और उन पर सवाल करने के लिए नए नए तरीके बताए, जिनकी मदद से हम अपनी जिंदगी से जुड़ी सभी चीजों के बारे में अच्छी जानकारी हासिल कर सकें।